मथुरा 14 वर्षीय किशोरी के साथ जिला अस्पताल में छेड़छाड़ का मामला आया प्रकाश में। पुलिस ने डॉक्टर को लिया हिरासत में बुधवार की सुबह। थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल में बुखार से पीड़ित 14 वर्षीय किशोरी के साथ में छेड़छाड़ करने के मामले को लेकर जिला अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। इसको लेकर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसका किशोरी ने विरोध किया तो परिजनों ने चिकित्सक के साथ हाथापाई करते हुए मारपीट कर दी। इसको लेकर किशोरी ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने चिकित्सक को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए कोतवाली ले गई, जहां हुई बातचीत में किशोरी ने बताया कि वह बुखार की दवाई लेने के लिए जिला अस्पताल आई थी और वहां पर चिकित्सक ने नाम के साथ छेड़छाड़ की, जिसका विरोध किया और जानकारी दी पुलिस को। पुलिस ने नहीं सुनी, किशोरी वाइट में बता रही है। संजना है। क्या मामला हो गया? अरे मैं हॉस्पिटल आई थी, मुझे बुखार आ रहा था। मैं 6 नंबर पे काफी देर से लाइन से खड़ी थी, पर वहाँ डॉक्टर नहीं था, तो मैं इमरजेंसी में आई और मैंने यहाँ पर डॉक्टर को दिखाया। तो एक डॉक्टर ने तो मैंने बताया कि मुझे बुखार वगैरह आ रहा है और मुझे जरूरी है जल्दी, मुझे सब्र नहीं हो रहा, तो आप मुझे दवाई दे। तो एक ने तो मेरी जांच करी, उसने सिर्फ मेरे हाथ से नब्ज चेक करी। फिर दूसरा वाला आया और जब मैं बैठ गई वहाँ पर, उन्होंने चेकअप के लिए बिठाया, तो मेरे से बोलते हैं कि तुम कहीं देखी हुई सी लग रही हो। मैंने कि हाँ, या एक्सरे में एक लड़का है शिवम नाम का, मैं उसकी जानकार हूँ, हो सकता है आपने जब देखा हो, क्योंकि मैं इमरजेंसी में काफ़ी बार आ जा चुकी हूँ। तो आकर वो मेरे चेस्ट पर टच करता है, बहुत बुरी तरीके से दबाता है, और फिर उसके बाद में बोलता है कि मैंने बोला कि ये क्या बदतमीजी कर रहे हो आप, तो बोला ये तो क्या हुआ, ये तो स्टाफ है चलता है ऐसे। मैंने कहा कि अगर तुम्हारी घर की किसी औरत के साथ ऐसा किया जाएगा तो चलेगा, तुम्हारी वाइफ के साथ में ऐसे करे तो चलेगा? बोले कि हाँ बिल्कुल चलेगा। फिर मैं यहाँ से बाहर आई और मैंने आके यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं उनसे मैंने ये बात कही कि अंकल यहाँ कोई सेफ्टी नाम की चीज़ है या नहीं है, तो बोले नहीं है, छूटते ही बोलते नहीं है। फिर मैंने कि फिर मैं क्या करूँ, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। मैंने उन्हें सारी बात बताई, तो फिर उसके बाद में वो बोलते कि जाके तुम CMO को बताओ। फिर मैंने कि CMO से तो बढ़कर आप हैं, जब भी तो आप यहाँ पर हैं। पर वो पुलिस वाले अंकल ने भी बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हारे संग में चल रहा हूँ। वो वहाँ पर गए हम और वो अंकल नहीं थे, दूसरे रूम में जाकर बैठ गए। फिर मैंने कहा अंकल देखो यही अंकल है, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कि अंकल तुमने क्या करा मेरे साथ में, कि कुछ नहीं है ये वो ऐसे जानकारी में चलता है। उन पुलिस वाले अंकल के सामने कह रहे थे कि जानकारी है उसमें चलता है। और फिर मैंने कि ऐसे बदतमीजी तुम कर रहे हो, तो और अंकल से मैंने कितना बोला कि अंकल देखो ये आपके आगे भी कितना बोला, पर उन अंकल ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। वो कह रहे लाओ तुम्हें दवाई दिलाऊँ। अब बताओ इज्जत पे बात आ रही है कि दवाई लेंगे हम क्या करेंगे? हाँ पहचान लूंगी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, उन्होंने CMO का हवाला किया, और फिर CMO के पास तो मैं गई नहीं। फिर आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ उसे सजा दो, क्योंकि अभी मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ में भी हो सकता है। हॉस्पिटल भी सेफ नहीं रहा लड़कियों के लिए। ठीक, अभी मेरे संज्ञान में बहुत कुछ नहीं है, आप ही लोगों के माध्यम से पता लगा है। कार्रवाई CMS डॉक्टर लाल सिंह से इस संदर्भ में वार्ता की गई है। संभवतः ये केस पुलिस को हैंडओवर हो चुका है। अब पुलिस की जांच के बाद भी कोई निष्कर्ष निकलेगा तभी कुछ इसमें कहा जा सकता है। पुलिस में ये केस संदर्भित हुआ है, तो अभी जांच के बाद ही सारी बात पता लग पाएगी। अभी तो बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज है, कुछ कहना नहीं। अभी तो मेरी जानकारी में CMS आएंगे, तब CMS या डॉक्टर लाल सिंह से मैं लगातार संपर्क में हूँ, कुछ जानकारी मिलती है तो उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। नहीं, ये तो गलत है, चिकित्सक से मारपीट की गई है, बहुत ही गलत है। इसको तो माननीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी इस चीज़ को जो है कंडम करता है।